आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इसी तर्ज पर आगरा में निकाली जा रही यात्रा को दिखाई हरी झंडी दिखाई गई। सपा की ओर से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के साथ विकास पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सपा सरकार में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उसके खिलाफ बदलाव की राजनीति, लोगों को जोड़ने की राजनीति, एक दूसरे से मोहब्बत की राजनीति, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति, रोजगार की राजनीति, स्वास्थ्य और व्यवस्था और शिक्षा को व्यवस्थित करने की राजनीति, उसका संदेश लेकर के निकल रहे हैं। अब पूरे जनता से प्यार मांगेंगे, मदद मांगेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजीपुर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जांगीपुर विधानसभा के भड़सर ग्राम सभा में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने कहा कि लाल टोपी हो या फिर कोई और टोपी हो, गुंडे और भ्रष्टाचारी माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। खास बात तो ये है कि यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिले को विकास की बड़ी सौगात भी दी है। फिर से ऐसी हो गई है कि यह 2017 भी 22 में दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि उनको एक लाइलाज रोग है, और वह रोग ऐसा है कि कोई भी काम होगा, उसका शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो उनको यह लगता है कि ये तो सपा का ऐसा सपना आता है। लेकिन सपना जो मुंगेरी लाल का आता है वो झूठा सपना है। अगर वह कुछ भी किए होते तो 3-3 चुनाव में जनता उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल करके नहीं। खबर चंदौली से है, जहां पर पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के नेतृत्व में सपा लाओ देश बचाओ सामाजिक भाईचारा सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राम अजल राज पर आए और यहां के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने उत्तर प्रदेश के चम का निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आए दिन बलात्कार जैसी घटना हो रही है, वहीं हाथरस की घटना का भी जिक्र किया। आगे बताया कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है और युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है। वर्तमान सरकार पढ़े लिखे युवाओं के पकौड़े बेचने को कह रही है। समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सपा लाओ प्रदेश बचाओ सामाजिक भाईचारा सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसमें जो है पूरे चंदौली जिले के सर्व समाज के भाई लोग आए थे, समाजवादी पार्टी सहित अन्य विंगों के पदाधिकारी और जो अन्य छोटे छोटे दल हैं उनके भी पदाधिकारी लोग आए थे। और जो दिखा है, जो उनके अंदर जोश खरोश दिखा, उत्साह दिखा है कि आने वाला 2022 समाजवादी पार्टी का होगा और इस प्रदेश की दूसरी बार माननीय श्री अखिलेश यादव सीएम होंगे, तो उसी तारतम्य में आज चंदौली में रॉयल पैलेस में। और विधानसभा चुनाव के करीब आते ही हर पार्टी जनता के बीच जुड़ने का प्रयास में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी की जनसभा कर पिछली सपा सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच रखी। इस जनसभा में सपा के कदवा नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे और जिले के इटावा विधानसभा के महादेव गुरहु में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। यहाँ सपा नेता आदिका मिश्रा ने नेतृत्व में इस जनसभा में मंच से एक सुर में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया और अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियां भी जनता के बीच में रखी गई। वहीं प्रधानमंत्री लाल टोपी के बयान पर माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा के इस बार सत्ता से बाहर कर देगी। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है और उनको उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करेगी, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक होता है और लाल टोपी किसे परिवर्तन आएगा, नई सरकार आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं और अपने आदमियों को सतर्क।
फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में आज एक शख्स ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के मुताबिक युवक की अभी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। युवक नशे का आदि था जिसके चलते उसने इस तरीके का कदम उठाया है। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि युवक नशे का आदि था जिसने नशे की लत के चलते घटना को अंजाम दिया। आपके क्या लगता है? लड़का है। आपके लड़के हैं? जी। तो वजह कोई पता चल पाई? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या करता थे? वृक्षाम में काम करते। तो नशा वशा करते थे? सर नशा बहुत करता था, शराब बहुत। क्या लगता है नशे के चक्कर में इन्होंने सुसाइड कर लिया? आप लोगों को क्या पता चला? मेरे को सर कुछ भी नहीं पता है। नहीं, कब पता चला कि सुसाइड? सुबह में उठा तब पता लगा। मेरा बहू रोने लगा है ना, साथ में सोया था, पलके है कब बंद हुआ, अब ये कब लगाया नहीं लगाया, उसके बाद फिर कोई पता नहीं। ये नशे का आदि था, नशा ज्यादा करता था, नशे के कारण इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो दिमाग से परेशान था, इसलिए इसने फांसी लगा लिया। पुलिस को सूचना मिली कि नेहरू कॉलोनी के अंदर राजेंद्र प्रधान वाली गली में पंकज कुमार नाम के लड़के ने फांसी लगा ली। सूचना पा करके हमने मिर्जापुर में पिछले 2 दिनों से लापता युवक का शव मिला है। शहर कोतवाली के रैदानी कॉलोनी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर एसपी सिटी संजय कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने छानबीन किया। एक ईंट को कब्जे में लेकर के साथ ही मृतक के घर उसके पिता के साथ चाय पीने वाले 2 लोगों को पुलिस की हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले के खुलासा करने के लिए जांच में जुट गई है। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे वाहन चोरों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत सफलता मिली है। थाना देहात कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें थाने देहात कोतवाली पुलिस ने चोरी के वाहन सहित 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों की निशानदेही पर एक कार और अलग अलग जगह से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। कोतवाली देहात में हम लोगों ने एक इंटरस्टेट ऑटो थेफ्ट गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से इनके पास से एक 4-व्हीलर जो कि थाना मसूरी जनपद उत्तराखंड से चोरी हुई थी टेम्पर्ड नंबर प्लेट के साथ, वो मिली है। 5 अन्य बाइकें भी चोरी की मिली हैं। तो हम लोग इनके लिंकेजेस पता कर रहे हैं कि और रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ होगी कि कहाँ कहाँ और इन्होंने घटनाएँ कार्यरत करी हैं, और बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको भी लिंक करने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और थाना सरसावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुठभेड़ के दौरान सरकारी तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतरराज्य गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 अभियुक्तों की चोरी किए गए तेल से 6 ड्रम पेट्रोल और 1 ड्रम डीजल और चोरी से प्रयुक्त 2 कार, 1 ट्रैक्टर, 3 देसी तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। एसएसपी आकाश तोमर ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है। पुलिस मुठभेड़ में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यह गैंग हमारे नेशनल सिक्योरिटी और देश की इकोनॉमी से संबंधित जो हमारी पाइपलाइन है उसमें चोरी करके एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से ड्रिलिंग करके चोरी कर लिया करता था। कुल 16 घटनाएँ प्रकाश में आई हैं, जिसमें से 10 घटनाओं में सफल रूप से इन लोगों ने तेल जो है 5,000 लीटर के जो टैंकर्स होते हैं बड़े, उसमें भरा है इन्होंने। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 1,00,000 लीटर तेल, जो करीब 1 करोड़ रुपए का हो सकता है नुकसान, इन्होंने पिछले 2 सालों में देश को पहुंचाया है। कुल 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गई, 4 लोग और वांछित हैं, और इसके अलावा सरकारी जो पूर्ति विभाग के लोग हैं और जो हमारे जियो और वोडाफोन इन सबके टावर्स के मेंटेनेंस वाले लोग हैं। कुल मिला के मुझे लगता है कि गैंग में लगभग 2 दर्जन लोग शामिल हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गुड वर्क है। तो मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम इसमें दिया जा रहा है, और ईडीजी आईजी साहब द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, वो भी अपने स्तर से इनाम इसमें देंगे, और मेरे द्वारा शासन में भी बात की जाएगी, जिससे टीम जो बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।